प्यारे भाई एवं बहनों, हम उपवास काल में प्रवेश कर चुके हैं। आज माँ कलिसिया संत लुकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 18 से 23 तक इस पवित्र वचन द्वारा हमें संदेश देती है कि हम अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक युवक प्रभु से आकर कहते हैं, भले गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु ने उस युवक से कहते हैं, भले गुरु, मुझे क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है। हाँ दोस्तों, ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है। इस सुसमाचार में प्रभु यीशु युवक से कहते हैं कि तुम्हें और एक कार्य करना पड़ेगा। जाओ, तुम्हारा सब संपत्ति बेचकर गरीबों और ज़रूरतमंदों को बांट दो। प्यारे भाई और बहनों, हम अनंत जीवन की खोज अवश्य करते होंगे, लेकिन इस रास्ते में अनेक बाधाओं और परेशानियां आते होंगे। इस युवक के जीवन में भी अपना धन संपत्ति को सब कुछ समझा था, इसलिए वह खुशी महसूस नहीं करता था। संपत्ति, संबंध, घमंड और अन्य आदि जब हमारे जीवन का लक्ष्य शैली बन जाता है, इसे हमारे आध्यात्मिक लक्ष्य ईश्वर को पाने का लक्ष्य प्रथम लक्ष्य बनाना चाहिए। केवल ईश्वर को पाने का साधन मात्र होना चाहिए और ईश्वर को हमें एक प्रथम स्थान देना चाहिए। इसे हमें इस भौतिक साधनों के द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और हमारे जीवन में मैं और आप कौन से चीज को हम प्रथम स्थान देते होंगे और मैं और आप हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण किस चीजों को और अधिक समय हम प्रभु को देना चाहिए। प्यारे भाई एवं बहनों, हम इस उपवास काल में प्रभु हमसे यही कामना करते हैं कि हम अपने धार्मिक जीवन में होने वाले सभी बुराइयों और वासनाओं को त्याग कर हम प्रभु के गुणों को अपना कर एक अच्छे जीवन जी सके। ईश्वर आप सबों को आशीष दे। जय यीशु।